से आपको टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, एक भरोसा जताया है। बोगांव से बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो मौजूदा मंत्री हैं, और पूर्व में जो मंत्री रहे हैं वो समाजवादी से जी, ऐसे में कैसे फाइट करेंगे? देखिए, ये जनता है, आम जनता है, आम आदमी है और किसान है। और हमारी जो आम जनता होती और जो हमारे किसान भाई होते हैं, उनको क्या चाहिए होता? सुविधा, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे वो किसी का मंत्री हो। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, हमारे आगे और पीछे दोनों ही मंत्री हैं, बीच में मैं हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमें अपना काम करना है, किसी का भी पैर या टांग नहीं खींचना है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और हम आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूँ, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है, 108 विधानसभा भोगांव मैनपुरी से हूँ। और आज मैंने अपने नामांकन के लिए पर्चे भी खरीदे हैं, जो नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं वो भी लिए हैं, और मैं 28 तारीख को पर्चा फाइल करूँगा। उसके बाद जो भी हमारे आगे और पीछे मंत्री हैं या जो भी विधायक हैं, जो भी हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे अपना काम करना है, उनको अपना काम करना है। और जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, मैंने कुछ देखा भी है, तो मैं चाहूँगा मैं वो उल्लंघन भी नहीं करूँगा। आचार संहिता का पालन करते हुए अपना और अपनी जनता का मनोबल बढ़ाएंगे, जनता को सुविधाओं के बारे में बताएंगे, हमारी सरकार बनेगी, उन्हें जो सुविधा होगी अच्छी से अच्छी वो सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, देंगे। जनता को क्या चाहिए? केवल सुविधा। सुविधा में क्या होता है, जैसे लाइट हुआ, मुझे लाइट चाहिए, लाइट से हम अपनी खेती करेंगे, किसानी करेंगे, बच्चों को पालेंगे। दूसरा चाहिए शिक्षा, शिक्षा सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं है, शिक्षा से ही हम लोगों का विकास होता है। तो अभी क्या है, जो भी वर्तमान में सरकार चल रही है, केंद्र में है, तो त्राहे त्राहे मची हुई है जनता के अंदर, आम आदमी के अंदर, यानी हमारे किसान भाइयों के अंदर। वो क्यों? कि हमारे बच्चे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कैसे भी हों, वो स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के सही वो स्टूडेंट हैं, वन से लेके लास्ट तक। तो उसमें क्या होता है कि सभी के कॉलेज में, कोई बच्चे डिग्री कर रहे हैं, कुछ छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सभी घर में हैं। अब क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई कर दी, फीस जा रही है, उसके बावजूद भी हमारे घर में मोबाइल नहीं है, नेटवर्क, मोबाइल है तो नेटवर्क नहीं है। हम गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, गांव वाले जो बच्चे हैं वो क्या ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं? तो उनका भविष्य खराब हो गया, इसलिए हो गया वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो कोविड को देखते हुए भी सरकार को स्कूलों की व्यवस्था सही रखनी चाहिए, जैसे हमारे दिल्ली में मॉडल स्कूल है। कोई भी सरकारी स्कूल में आप जाके देखिए, यहाँ इंग्लिश मीडियम, वहाँ प्राइवेट वो प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल एक मॉडल स्कूल है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा लाएंगे अपने किसान भाइयों के बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से भी अच्छे हों। और दूसरा हमारा बिंदु ये है कि हमारे जो भी माता पिता, बुजुर्ग या छोटा बड़ा कोई भी है, बीमार है, उसके लिए हर, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हम बोलते हैं, चाहे नुक्कड़ क्लिनिक बोल लो, हम मोहल्ला क्लिनिक भी चलाएंगे, जहाँ हमारे अच्छे डॉक्टर होंगे और अच्छा इलाज होगा, किसी को कहीं वहाँ जाने की दूर जरूरत नहीं, दूर जाने की कोई जरूरत नहीं किसी को भी, हमारे एक भी किसान भाई, महिला हो, चाहे बहन बेटी हो, चाहे मैं बुजुर्ग माता पिता हूँ, वहीं उनका इलाज होगा। हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में क्लिनिक होगा जिसमें अच्छे डॉक्टर होंगे। अभी क्या है, जो भी है स्वास्थ्य केंद्र, तो कहीं कंडे भरे हुए किसी के क्षेत्र में हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भैंसें बंधी हुई हैं। अभी का माहौल ये है, अगर हमारी बहन बेटी, माता पिता कोई भी बीमार होता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है। जब तक हो सकता है, ये सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है या बरसात का मौसम चल रहा है, तो रास्ते जाते जाते वो एक्सपायर हो जाते हैं, ट्रीटमेंट ठीक ना होने के कारण, डॉक्टर ठीक होने के ना। जिस तरह से आपकी दिल्ली में सरकार चल रही है जी, और केजरीवाल के नाम से जानी जाती है, ये सरकार अच्छी चल रही है आपकी जी, तो क्या उत्तर प्रदेश में वो सुविधा मिल पाएगी? जी, पूरी जो हमारी दिल्ली के अंदर सुविधाएं लागू हैं, वो सारी सुविधाएं यूपी के अंदर लागू होंगी। जैसे बिजली, पानी तो फ्री है ही है, क्योंकि समरन लग गई, तो बिजली फ्री का मतलब हर घरेलू लाइट
फ्री हो जाएगी, पुराने बिल माफ हो जाएंगे जो दिल्ली में चल रहे हैं। दूसरा, पानी फ्री का मतलब समर की जो भी लाइट होगी हमारी या मोटर की जो भी लाइट वो फ्री रहेगी जब तक हमारी सरकार रहेगी। आप इन मुद्दों पर चुनाव मैदान में आए हैं, और क्या लगता है कितने उत्तर प्रदेश में सीटें निकाल पाएंगे आपकी पार्टी? देखिए, आज की डेट में मैं 403 सीट पे मैं लड़ रहा हूँ, और 403 सीट में से अगर सारे नहीं निकाल पाएंगे तो मैं 150-200 सीटें आराम से निकाल लूंगा जो मैं विपक्ष में विरोधी दल में बैठ सकता हूँ। बोगांव में आप जनता के बीच जा रहे हैं जी, किस तरीके का रुझान मिल रहा है जनता से? जनता को मैं जिस गांव में जाता हूँ सबसे पहले तो वहाँ की आबादी मेरे से लड़ना चाहती है, मेरे से मतलब वर्तमान विधायकों से जी, जो वर्तमान विधायक हैं, क्योंकि 5 साल में मैंने जनता के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। खड़ंजे, नाली या कच्ची सड़क तो पैदल नहीं निकल सकते, कार या मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी बात है, निकलना मुश्किल है, तो हम पैदल जाने नहीं निकल सकते हैं तो वहाँ के वोटर क्या कहेंगे? आम आदमी को वोट करेंगे क्योंकि मुझे सुविधा मिलेगी, जैसे हमारे पक्की सड़कें होना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल होंगे, और हमारे माता पिता के लिए, जो भी बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं उनके लिए अच्छा इलाज, अच्छे डॉक्टर होंगे। सबसे हमारा बड़ा बिंदु है शिक्षा और चिकित्सा। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को यही मैं संदेश दे रहा हूँ और देना भी चाहूँगा, हमारी आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, माननीय केजरीवाल सरकार बनेगी यूपी के अंदर, तो मैं लाइट दूंगा, प्लस कृषि लाइट फ्री दूंगा, पुराने घरेलू बिल माफ़ करूंगा, और ये तो बात की बात है, सबसे पहला पॉइंट ही आता है शिक्षा का, सबसे पहले मैं शिक्षा को आगे करूंगा, विकास आगे करूंगा, शिक्षा का विकास आगे हो जाएगा हमारा तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो विकसित होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, पढ़ाई के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और पढ़ाई के लिए मैं सारा कुछ करूँगा। हमारे केजरीवाल जी ने जो भी दिल्ली में किया वो पढ़ाई के लिए किया है, पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। मेन मुद्दा हमारा है शिक्षा।